हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक ब्यूटी हैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से अपना बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, हेल्दी हैं, पॉजिटिव माइंड है और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो देरी किस बात की यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। आज की वीडियो आपके हेयर की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने वाली है और आपके हेयर में एक ऐसा नया जान डालने वाली है जिसे देख के आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की वीडियो आपके पार्लर के सारे पैसे बचाने वाली है और प्लस में आपको एक केराटिन ट्रीटमेंट देने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपकी किसी भी वजह से हेयर ग्रोथ रुक गए हैं, आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रहते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, फ्रिजनेस रहती है, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा जेल शेयर करने जा रही हूँ जो आपके हेयर से इन सारी प्रॉब्लम्स को परमानेंट करेगा ख़त्म और आपकी और ये आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा और प्लस में आपके बालों को ऐसे लंबे, खूबसूरत और चमकदार बनाने में बहुत ही तेज़ी से मदद करेगा। आपने अलसी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। जी हाँ, अलसी जितना खाने में फ़ायदेमंद होता है उतना ही ज़्यादा ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अलसी जो है वो हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी तेज़ी से मदद करते हैं। ये हमारे बालों के सारे ड्राइनेस को, रफनेस को ख़त्म करते हैं। अलसी में विटामिन ई होता है, फाइबर होता है, ओमेगा होता है, 3 फैटी एसिड होते हैं, जिसे अगर हम अपने हेयर पे लगाएं तो हमारे हेयर हेल्दी भी होते हैं और प्लस में इनमें साइन भी आते हैं और हमारा हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है। इसे बनाना और इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें इस जेल को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे अपने हेयर पे लगाना है। सबसे पहले आपको लेना है एक पैन और उस पैन में आपको 2 गिलास पानी डाल देना है और आपको 1/2 कप फ्लैक्स सीड के लेने हैं। जब अच्छे से खौल जाए तो आपको सारे फ्लैक्स सीड को आपको पानी में ही डाल देना और इसे अच्छे से हमें इसे किसी स्पून की मदद से चलाते रहना है और जब हम देखें कि इसमें एक जेल की कंसिस्टेंसी बन रही है उसके बाद हमें केयरफुल हो जाना है, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। जब ये अच्छे से जेल बन जाए, कोई देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जेल बन रहा है, हमें इसी तरीके से बनाना है और जब ये बन जाए तब हमें इसे गैस को बंद कर देना है और जब ये एक थिक जेल बन के तैयार हो जाए तब हमें इसे किसी छलनी की मदद से अच्छे से छान लेना है। हमें जेल को अलग रखना है और जो इसका बीज है अलसी के उसे हमें अलग रखना है। और जब ये बन के तैयार हुआ तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई लगाने को कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फ़ौरन से बस अपने बालों पे लगाऊं, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी थी, इसका जो ये टेक्सचर बन के तैयार हुआ था वो इतना अमेजिंग था दिखने में, किसे बार बार जब मैं छू रही थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पर हाँ, जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे हाथ लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब टाइम है इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन हमें कुछ इस तरीके से करना है कि पहले आपको अपने सारे हेयर को अच्छे से सुलझा लेना है। हमें जो हेयर पे बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना, आपको अपने हेयर को अच्छे से सुलझा लेना है कॉम्ब की मदद से। जब ये अच्छे से सुलझ जाए तो हमें अपने बालों के एक एक लेयर को लेना है और हमें एक एक लेयर में अच्छे से लगाते हुए जाना है और आप बांधते हुए जाए, आप एक साइड अलग लगाए, दूसरे साइड अलग लगाए, जब ये अच्छे से लग जाए तब आप सारे हेयर को लेके फोल्ड कर ले और जो भी बचा हुआ उसे आप रख दें, उसे आप नहाने के टाइम यूज़ करें। जी हाँ, इसे हमें मैक्सिमम 30 मिनट तक रखना है। 30 मिनट के बाद आपको पानी से अच्छे से अपने हेयर को पहले वॉश कर लेना है, आपको शैम्पू करना है, उसके बाद ये जो जेल बचा था अगेन हमें अपने बालों पे लगाना है। इसके बाद आपको अगेन अपने बालों को अच्छे से पानी से धो लेना है। उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, आप ट्रस्ट मी, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। पहले से अच्छे से सुखा लीजिए, जब ये सूख जाए उसके बाद आप अपने हेयर पे हाथ लगाइए, आपको इतना ज़्यादा स्मूथनेस फील होगा और आपके हेयर इस कदर स्ट्रेट हो जाएंगे कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाओगे इस जेल के साथ। अगर आप कंपेयर करोगे पार्लर के जैसे, तो मैं बता दूँ पार्लर में काफ़ी ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं, स्ट्रेटनर चलाया जाता है, बहुत कुछ उसमें किया जाता है जो हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। पर जब हम घर की चीज़ों को लगाते हैं तो ये हमें रिजल्ट देने में थोड़ा सा देर करते हैं, पर इसके जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं। तो हफ्ते में एक बार लगाइए और अपने हेयर पे चमक लाइए, अपने हेयर ग्रोथ को बढ़ाइए, अपने हेयर से सारे रफनेस को, ड्राइनेस को दूर कीजिए। और अगर आपको ये रेमेडी पसंद आती है तो आप इसे आगे भी अपने दोस्तों के साथ कीजिए। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।